पेट्रोल से महंगा तो तेल पड़ेगा लग रहा है। पड़ेगा। अरे भाई यहाँ देखो नॉर्मल पेट्रोल है 96 रुपये, जबरदस्ती का 160 रुपये का पेट्रोल दे रहा है। बैठो अंकल, कहाँ जाना है? कहाँ तक जाओगे आप? मैं तो लखनऊ जा रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इंस्टाग्राम का फ्लो आ गया ना आजकल। तो भाई अभी हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो गई, अभी हम चल रहे हैं राम भूमि, राम जन्म भूमि अयोध्या की तरफ। तो अभी हम लेंगे एक्सप्रेस वे, तो देखते हैं हम एक्सप्रेस वे से जाना सही रहता है या नहीं रहता है। तो फिलहाल ये लोकेलिटी पार करते हैं और चलते हैं नोएडा की तरफ। सुबह सुबह कहीं पे जाम मिला नहीं है, और नहीं तो अगर यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास आते हो ना, तो सारा यहाँ पे ऑफिस एरिया तो ये पूरा रोड जाम रहता है। फिलहाल अभी एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए मेरे को कोई जाम नहीं मिला। तो अब मोड़ दिया है भाई एक्सप्रेस वे की तरफ, और वैसे मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है इस तरफ से। मैं भी आगरा जा रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज टोल बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ से जाता था मैं। बट एक्सपीरियंस लेना है भाई एक्सप्रेस वे का, कि एक्सप्रेस वे पे जाना सेफ रहता है या नहीं रहता, तो चल के ही पता लगेगा अब तो। और ये आ गया है पहला टोल, अभी टोल देखते हैं भाई कहाँ तक के लिए टोल लगना है अपना। बाइक का भी लगेगा क्या? बाइक वाले इधर जा रहे हैं, टू व्हीलर ये लिखा भाई। हाँ भाई लगेगा। आ गया अपना नंबर लखनऊ। हाँ बाइक का नंबर है 55566। अच्छा उससे पहले बीच में पेट्रोल पंप पड़ेगा कहीं? हाँ, या उतरना पड़ेगा? कितने हो गए? 205। ये लो 205 का पेट्रोल और टोल टैक्स। अभी क्या है ना भाई, सीधा लखनऊ का टोल टैक्स ले लिया और टोल कटवा लिया, टैक्स तो उन्होंने लिया है मेरे से, और 205 रुपये का टोल लगा यहाँ से लखनऊ का। और अभी मैंने पूछ लिया था उनसे कि बीच में पेट्रोल पंप पड़ेगा, तो कह तो रहे हैं पेट्रोल पंप पड़ेगा। एक्सप्रेस वे पे आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, तो ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको भूखा पेट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो शिवा ढाबा है और कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। बट हमारा तो पेट फुल है, हमें रुकना नहीं, हम चलते हैं। तो देखो भाई अगर आप एक्सप्रेस वे पे एक गलत पॉइंट ले लोगे ना, तो आपको भी बाइक ऐसे लेके जानी पड़ेगी। अरे कैसे दिक्कत हो गई, देख रहे हो भाई, एक गलती का नतीजा, एक कट छूटा तो बाइक आपको टप्पा खा के उधर लेके जानी पड़ेगी। और वो बंदे लगे हुए हैं दो ऐसे करने में, बट वो तो अच्छा है हल्की बाइक, अगर ये वाली बाइक होती ना तो भाई अपनी तो लग जाती। तो अभी फिर से एक टोल पड़ा है, अब मैंने पर्ची तो पूरी आगे तक की कटाई थी, बट यहाँ पे पूछ लेता हूँ क्या सीन है। टोल कटवा लिया था? अच्छा यही पर्ची आगे तक चलेगी। पेट्रोल पंप कितनी दूर है? और नीचे उतरना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ जाएगा, उसके बाद फिर पर्ची कटानी है? ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। अरे रुक जा, पीछे से टैंट करने लग गए। अभी क्या सीन है, अब जरा बख्तावर में भाई अपना 360 भी लगा दिया, अब 360 लगा के कुछ शॉट ले लेंगे अभी जरा। और हालत तो बाइक की अच्छी है अभी। आ जाओ अंकल आ जाओ, वो जरा इनको लिफ्ट दे देते हैं भाई। बैठो अंकल, कहाँ जाना है? कहाँ तक जाओगे आप? मैं तो लखनऊ जा रहा हूँ। हाईवे? हाँ बैठ गए, कहाँ तक जाना है आपको? चलो ठीक है, मैं आपको बता देना कहाँ पे उतारना है, हाईवे पे उतार दूंगा। ये लो सर, आप थोड़ा सा देख के उतरना, पीछे से पैर पे चोट ना लग जाए बस। हाँ आराम से उतरना, ये गाड़ी आपके लिए खड़ी है क्या? अच्छा चलो ठीक है ओके। तो भाई किसी ने लिफ्ट मांगी थी पुलिस वाले से, मैं सोचा चलो छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया इन्हें। एक मिनट के लिए बाइक रोक दिया है। तो ये देखो देश का सबसे लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। तो एक दो फोटो रील ले लिया, अगर भाई इंस्टा पे कनेक्ट नहीं तो जाओ इंस्टा पे जाओ, और यहाँ की एक छोटी सी रील ली है वो भी देखना, कमेंट में ज़रूर बताना कि रील कैसी लगी। तो वापसी बैठते हैं भाई इन बाइकों पे ना, बैठने की दिक्कत बहुत ज़्यादा, अगर ये गिर गई तो उठ भी नहीं सकती है। चलो भाई लेके प्रभु का नाम।
चलें जरा इस एक्सप्रेस वे पे, चलो जय श्री राम। अरे वाह, हनुमान जी देखो यार कितनी बड़ी मूर्ति है। जरा यहाँ से हनुमान जी का ड्रोन शॉट ले लेते हैं भाई। मुझे ऐसा लग रहा है इस मूर्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ से एक्सप्रेस वे के साथ साथ हनुमान जी का भी ड्रोन शॉट लेते हैं, रोक लेते हैं एक बारी। क्या सीन है अभी? शायद से अब एक टोल और पड़ा है। अब यहाँ पे दोबारा से टोल का फेयर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टोल मेरा काटा था, मैंने बोला तो लखनऊ के लिए था, बट इन्होंने साला फ्रॉम जेवर टू आगरा करा हुआ है। मेरे ख्याल से इस टोल के लिए अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे अभी, तो पे करते हैं, चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं, पहले पता करते हैं ये चलता है नहीं चलता। इसका अलग टोल कटेगा क्या? अच्छा ठीक है। लखनऊ 325 पेट्रोल से महंगा तो तेल पड़ेगा लग रहा है। ये लो तो भाई 325 का अलग से एक और टोल लग चुका है। पहले भी लगा था 200 रुपये का समथिंग, और अब 325 का, 500 का तो टोल ही टोल हो गया। शुक्रिया। ये आगे कहीं दिखाना भी पड़ेगा क्या? हैं, लखनऊ में? ठीक है। बीच में कुछ खाने वाने का कुछ है और पेट्रोल पंप? ठीक है। सो भाई अभी टोल कटा लिया 300 रुपये का, इतना महंगा टोल भाई बाइक का पहली बार जिंदगी में कटा है। ये है तो सही 96 वाला, ये 96 वाला है तो सही? अभी मिस्त्री लगा हुआ है साथ। तो इस पे जब 96 है तो मैं क्या इंतजार करूंगा भाई? हाँ एरिया मैनेजर कौन है भाई, बुलाना जरा। अरे भाई यहाँ देखो नॉर्मल पेट्रोल है 96 रुपये, ज़बरदस्ती का 160 रुपये का पेट्रोल दे रहा है। तो ज़रा एक बार इससे बात कर लेता हूँ कि क्या सीन है भाई। हाँ उस पर क्यों लगाऊँ 160? मुझे डलवाने नहीं, जब आपके पास 96 है तो मैं क्यों डलवाऊँ? अरे भैया इसमें जब मेरे को नॉर्मल वो स्पीड वाला नहीं डलवाना, और जब आपके पास है 96 वाला तो आप वो क्यों नहीं डाल रहे? जब आपके पास नॉर्मल पेट्रोल है तो आप वो क्यों नहीं डाल रहे इसमें? हाँ भेजिए जरा एरिया मैनेजर जो भी अपना। सर आपके पास जब 96 वाला नॉर्मल है, मेरे को स्पीड नहीं डलवाना है, तो मेरे को ये डाल के दीजिए ना। सर एसटीपी टैंक खुला हुआ है, एसटीपी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 15-20 मिनट का समय है। सर एक बात बताओ, मेरे को बहुत दूर जाना है, अयोध्या जाना है, और आपके पास जब यहाँ पे ऑलरेडी वाला वर्क मशीन वर्क कर रही है, वो वर्क नहीं कर रही, तो ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, उसमें एक्सपी 100 है सर। तो वो मेरे को अगर उस पे होता, नहीं मेरे को वो नहीं डलवाना। सर एक बात, हाँ हाँ एसटीपी टैंक ही होती है सर। ठीक है, वहाँ से अगर समर प्रोडक्ट उठाएगी तो हमारे चार नोजल हैं, चारों नोजल पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस पे भी नहीं चल रहा? दो मिनट का आप समय तो दो, थोड़ा सा काम चल रहा है, या तो आप 15 या मैं पूछो बोल रहा हूँ 10-15 मिनट आप रुक जाओ। 10-15 मिनट तो बहुत बहुत हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सर एक बार चेक कर लेता हूँ। आप यहाँ से डाल दो ना, ये वाली मशीन भी तो चल रही है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हाँ बताइए। ये बोल रहा हूँ
एसटीपी समर की होती है। हाँ। समर अगर प्रोडक्ट उठाएगी तभी ये चारों नोजल में जाएगा। अच्छा, तो आप एक बार पूछ लीजिए कितनी देर लगेगी। हाँ ठीक है ठीक है, मिस्त्री से पूछता हूँ कितना समय लगेगा। ठीक है आप पूछ लीजिए, मैं रुका हुआ। क्या सीन है ना भाई कि क्या हुआ कि यहाँ पे ना पेट्रोल डालने देते तो मेरे को कहते 160 रुपए वाला डलवाओ, बट यहाँ पे जब नोजल चालू था तो मैंने अभी उनको बोला, जब कैमरा ऑन था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 5 मिनट रुक जाओ हम आपको डाल के देते हैं, तो अब यहाँ पे डाल के देंगे। ज़रा चालू हो चुका है तो अभी ज़रा इसको फुल करा लेते हैं। डालो भाई। हाँ 02 ठीक है डाल दो। 160 का डलवाता तो ट्रिप बहुत महंगा पड़ जाता ना, इसलिए नॉर्मल डलवाओ। तो फाइनली नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाया है, अगर 160 रुपये वाला डलवाता ना तो दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। ये लो भाई 500 का पेट्रोल आया इसमें। अब लखनऊ कितना रह गया यहाँ से? 220, यानी 3 घंटे। आपके ऊपर है जैसे चलाओगे। चलो ठीक है भाई। भाई यहाँ से अपना एक्सप्रेसवे हो चुका है ख़त्म और हम पहुँच चुके हैं लखनऊ की तरफ, और अभी टाइम हो रहा है 4:16, तो यानी कि मैं सुबह 8 बजे निकला था और 4 बजे तक कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ मैं। स्टैमिना बहुत है तुम्हारे भाई में, भाई अंधा भरा पड़ा है। और अब लखनऊ में एंट्री कर चुके हैं, एक्सप्रेसवे ये रहा अपना, इस तरफ से एक्सप्रेसवे ख़त्म। अब लखनऊ में देखते हैं हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ जाना है, अभी कुछ पता नहीं आया, तो लखनऊ में एंट्री करते हैं।